Yes, good morning students. Today we are going to start next question solution, class 10th, chapter 4, exercise 4.3. Yesterday we have completed up to 4th question in exercise 4.3. Now today continue question number 5. Question number 5 is, in a class test, the sum of Sefali's marks in mathematics and English is 10. एक क्लास टेस्ट में किसी एक स्टूडेंट के मैथ और इंग्लिश के अंदर जो मार्क्स हैं वो 30 हैं. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subject. इसमें नेक्स्ट ये बता रहा है कि अगर सेफादी के 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते तो उन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क का प्रोडक्ट 210 होता. फाइंड हर मार्क्स, तो हमें उसके मार्क्स फाइंड आउट करने हैं दोनों सब्जेक्ट में. देखिए, जो किसी भी एक क्लास टेस्ट के अंदर सेफादी के मैथ और इंग्लिश में जो टोटल नंबर आ रहे हैं वो कितने हैं, 30 मार्क्स हैं. अब सपोज करो कि अगर उसने मैथ के अंदर 20 मार्क्स आए होंगे तो इंग्लिश में कितने, 10 मार्क्स आए होंगे. अगर मैथ के अंदर 25 हैं तो इंग्लिश में 5 मार्क्स, क्योंकि दोनों का सम 30 है. तो मैं एक सब्जेक्ट्स के मार्क्स मान लेता हूँ. सपोज दैट कि मैथ के अंदर अगर उसके एक्स मार्क्स आए हैं तो इंग्लिश में कितने आए होंगे, 30 माइनस एक्स होंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दैट मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू एक्स. तो मैंने मैथ्स में मार्क्स कितने मान लिए भाई, एक्स. And marks in English 30 minus x. ये 30 minus x क्यों हुआ, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स 30 हैं. ये दे रखा है आपको टोटल मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट. In both subject is equal to 30. तो इसमें आपका चैप्टर 4 है और एक्सरसाइज है 4.3. टोटल मार्क्स इन both subject 30. अब देखिए आगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है ये कि 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स. अगर मैथमेटिक्स में 2 नंबर मोर ज्यादा आते तो अभी कितने आए उसके, एक्स. 2 ज्यादा आते तो कितने हो जाते, एक्स प्लस 2. और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस, इंग्लिश में 3 नंबर कम होते, यानी कि अभी कितने हैं, 30 माइनस एक्स. इसमें से 3 कम करेंगे तो 27 माइनस एक्स हो जाते. अब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना गिवन है हमें, 210. तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम इसकी इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मैथ में जो मार्क्स बनेंगे वो एक्स प्लस 2, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 2 नंबर ज्यादा होते, और इंग्लिश में 3 नंबर कम, तो 3 नंबर इसमें से कम करेंगे तो कितना बन जाएगा ये, 27 माइनस एक्स. 27 माइनस एक्स. और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, 210 इक्वल टू 210.
10। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 27 से करेंगे तो क्या बनेगा 27x, x को माइनस x से करेंगे माइनस x स्क्वायर, 2 को 27 से 54 और 2 को माइनस x से करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर और इधर इसको इधर ट्रांसफॉर्म कर दूं मैं तो माइनस का 210 = 0। देखिए मैंने x को 27 से मल्टीप्लाई किया 27x, फिर माइनस x से किया माइनस x स्क्वायर, 2 से किया 54, फिर इस 2 से माइनस x किया तो माइनस 2x, x स्क्वायर नहीं सॉरी ये माइनस के 2x। अब आगे देखेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे 27x पॉजिटिव है और माइनस का 2x नेगेटिव है तो कितने बचेंगे ये 25x, 25x बच जाएंगे माइनस का x स्क्वायर और ये 210 में से 54 हम माइनस कर देंगे, 210 में से 54 माइनस करेंगे तो 6 और ये बच जाएगा 156 और 156 किसके होंगे ये माइनस के इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ये किसका होना चाहिए पॉजिटिव, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई माइनस साइन बोथ साइड तो क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x और ये हो जाएगा प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई यानी कि जनरल फॉर्म में। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, तो उसके लिए 156 के हम फैक्टर चूज करेंगे कौन कौन से होंगे कि उनका हम मल्टीप्लाई करें तो 156 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -25 बन जाए। तो देखिए यहाँ साइड में करके देख लेते हैं 156 के क्या होंगे, देखिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 2 और ये फिर हो जाएगा आपका 13 से 4, फिर 2 से 2 और 2 से 1। देखिए इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, एक तो इधर 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 13, 12 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 156 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 25 हमें चाहिए तो इनके आगे माइनस साइन लगा देंगे तो क्या फैक्टर बन जाएंगे माइनस के 13 और माइनस के 12। देखिए साइड में करता हूं इसको तो ये फैक्टर होंगे हमारे एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। दो दो के पीएन बना लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा एक्स, यहां बचेगा एक्स माइनस 13 और इधर से माइनस 12 कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस 13 कॉमन आ जाएगा और यहां बचेगा एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर 0 के इक्वल है, या तो ये 0 हो सकता है या ये 0। इफ एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू 13 और अगर ये 0 हुआ if x minus 12 equal to 0 then x is equal to 12। तो देखिए हमारे पास में x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 12 और एक 13 कि जो x हमने माना था वो मैथमेटिक्स के अंदर मास माने थे, अगर मैथ्स के अंदर उसके 13 मास आए तो इंग्लिश में कितने आए होंगे क्योंकि दोनों का सम 30 था
तो 30 में से 13 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएंगे, और अगर मैथ्स के अंदर उसके 12 मार्क्स आए होंगे तो इंग्लिश में कितने आए होंगे, 18 मार्क्स। तो यहां पर लिख देता हूं इसको, F x equal to 13, then mass in English, then mass in English equal to 30 minus x, 30 minus 13 is equal to 17. और एक x इक्वल टू 12, देन मास इन इंग्लिश थर्टी माइनस x equal to 30 minus 12 equal to 18। तो x तो हमने माना था मैथमेटिक्स के अंदर मास, अगर मैथ्स के अंदर 13 है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 minus 13 करेंगे तो 17। और if x equal to 12, अगर ये 12 हुआ, x को हमें पता ही है मैथ्स के अंदर मास है, तो मैथ्स में अगर उसके 12 मास आए तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 minus x, और x की जगह 12 रख देंगे तो 30 minus 12 equal to 18। तो ये उस स्टूडेंट सेफानी के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। देखिए जो आपका फील्ड है वो रेक्टेंगल शेप में है, और उस रेक्टेंगल शेप की जो सबसे छोटी साइड है शॉर्टर साइड, उसमें और लॉन्गर साइड में कुछ रिलेशन इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो भी फील्ड आपका रेक्टेंगल शेप में है उसकी जो छोटी वाली साइड है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। सपोज करो कि उसकी जो शॉर्टर साइड है, सबसे छोटी साइड, वो एक्स मीटर की है। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जो उसकी और साइड है उनमें क्या रिलेशन होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। सपोज दैट कि ये एक रेक्टेंगल शेप का खेत है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी डी ये कोई रेक्टेंगल शेप का फील्ड है जिसकी ये वाली जो साइड है वो शॉर्टर है सबसे छोटी, और ये वाली साइड है वो इसकी बड़ी साइड है, और ये इसका एक डायगोनल है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसकी जो सबसे छोटी वाली साइड है उसको x मान लेता हूं। सपोज दैट शॉर्टर साइड बी x मीटर। अब इसका जो डायगोनल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, शॉर्टर साइड पर, सबसे छोटी साइड पर। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर इसकी छोटी वाली साइड x है तो डायगोनल इससे 60 मीटर है जो बड़ा है। तो डायगोनल कितना हो जाएगा इसका, x प्लस 60। और आगे लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो इसकी बड़ी वाली साइड है वो छोटी साइड से 30 मीटर बड़ी है। यानी छोटी साइड x है तो ये इसकी बड़ी साइड हो गई bc,
तो बड़ी साइड क्या है, इस छोटी से 30 मीटर बड़ी है, यानी कि छोटी वाली साइड से ये वाली जो साइड है डीसी वो 30 मीटर इससे बड़ी है, लॉन्ग है। तो कितनी हो जाएगी ये वाली, एक्स प्लस 30। तो ये इसकी बड़ी साइड हो गई, लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड है आपकी डीसी, और बीसी कौन सी है, शॉर्टर साइड। अब देखिए, और इसका बीडी डायगोनल है, डायगोनल इक्वल टू बीडी। अब हमें क्या करना है, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो हमें इस खेत की साइड फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसकी छोटी वाली साइड भी हमें पता करनी है और बड़ी वाली साइड भी हमें पता करनी है। तो क्या करेंगे हम, जो ये हमने इस डायग्राम के अंदर ये छोटी साइड को एक्स यहाँ पर माना है, उसको रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे, नेट द शॉर्टर साइड भी एक्स मीटर, नेट द शॉर्टर साइड बी एक्स मीटर, एंड लॉन्गर साइड बी एक्स प्लस 30 मीटर। डायगोनल डायगोनल बी डी इक्वल टू एक्स प्लस 60। अब देखिए, रेक्टेंगल का आपको पता है कि ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एंगल कितने का है, 90 का। तो अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज देखिए, हमारे पास में बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास में ये तीन साइड बन गई। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, और उस पाइथागोरस थ्योरम के यूज से एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल बीसी, यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या होगा भाई, बी सी डी राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी। तो राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ऊपर से रेज कर देता हूं मैं इसको, तो देखिए भाई BD कितना है हमारा, एक्स प्लस 60, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी कितना है, एक्स प्लस 30,
और BC कितना है x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गई आपकी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। और क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 60 है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 60 प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी आपकी एक आइडेंटिटी बन गई है प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर ये बन जाए। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 120 एक्स और 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर प्लस का 60x प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900। अब इसके अंदर क्या करें, हम एक्स स्क्वायर वाले ट्रम को वन साइड कर लेते हैं और बाकी के जो x के ट्रम हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो आइए इन सभी ड्रम्स को मैं उधर लेके जा रहा हूं। तो देखिए ये राइट हैंड साइड के ड्रम्स हैं, तो 2x स्क्वायर ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 60x से ये इधर जाकर माइनस का हो गया 120x, ये 900 ये इधर जाकर माइनस का हो गया 3600 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, इधर माइनस के 60x और इधर बच जाएंगे माइनस के 2700 इक्वल टू। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। अब इसके अंदर हम कोई भी एक मेथड का यूज करके और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस 2700 के हम फैक्टर कर देते हैं, तो 2700 के फैक्टर करके देखेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 900, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 300, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 100 और फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 20 और फिर हो जाएगा ये 5 से आगे 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। अब देखिए हमारे फैक्टर जो आए हैं इनका कॉम्बिनेशन करके देखते हैं कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 60 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2700 बन जाए। तो देखिए 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो यहाँ तक 27 और आगे के देखें 5 जा 25 और 50 100, तो इनमें भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। और चेक करके देख लो नीचे से 22 जा 4 5 जा 20 25 जा 100 100 और ऊपर के ये 27 इनमें भी बैठ रहा है। और देखिए 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45 और 45 2 जा 90। यहाँ से देखिए भाई इसको एक ये फैक्टर देता हूँ, एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर, 3 3 जा 9 9 5 जा 45, यहाँ तक 45 हो गए और एक ये दे देता हूँ इसमें इंटू 2 करेंगे तो ये बन गया 90। तो 90 यहाँ तक हो गया और आगे कौन से बच गए 5 2 और 3, 5 2 जा 10 10 3 जा 30, तो 90 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो वो 60 बच जाएगा। तो हमारे दो फैक्टर बन गए, कौन कौन से बचे 90 और एक माइनस का प्लस का 30 और माइनस का 90, ये दो फैक्टर हो गए हमारे पास माइनस का 90 और प्लस का 30। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें दोनों के हम ये
जीरो। अब x माइनस 90 कॉमन आ जाएगा और यहां बच जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों फैक्टर आपके जीरो के इक्वल है तो इनमें से अगर ये जीरो हुआ तो x 90 आ जाएगा, ये जीरो हुआ तो x माइनस 30 हो जाएगा। देखिए इफ x माइनस 90 इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू 90 और यहां से x इज इक्वल टू माइनस 30। If x minus 30 is equal to 0। अब देखिए यहां से हमारी ये जो x की वैल्यू आई है माइनस 30 ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी फील्ड की जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू कौन सी होगी फिर 90 होगी। तो यहां पर लिखेंगे x is equal to minus 30 can not possible, can't possible, so x is equal to 90। तो इसकी जो छोटी वाली साइड है वो कितनी आ गई भाई 90 आ गई, तो बड़ी साइड कितनी होगी उसमें 30 प्लस करेंगे तो 90 में 30 प्लस होगा तो 120 आ जाएगा। तो नॉर्मल साइड, नॉर्मल साइड इज इक्वल टू x प्लस 30 और x की वैल्यू में अगर हम 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर, ये आपकी बड़ी वाली साइड है। तो इस तरह से इस फील्ड की हमने छोटी और बड़ी दोनों साइडों को फाइंड आउट कर दिया। तो इस क्वेश्चन को आप बार बार देखिए, वाच करिए और कोई डाउट हो तो आप पूछिए। तो यहाँ से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।